हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत खास है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इंट्राडे में बाय करके और सेल करके दोस्तों एक ही दिन में प्रॉफिट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो बाजार की जो मूवमेंट होती है वो वन साइडेड होती है, यानी कि आज बाजार तेज है तो सारी चीजें आप बाय करके चलो, या आज बाजार वीक है तो आप सारी चीजें यानी कि जितने भी स्टॉक्स है या अपनी पोजिशन है उसमें सेलिंग बना के चलो। बट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाजार में चाल किसी भी तरफ हो बट आप किस तरीके से सेल या बाय करके बाजार में पैसा बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आज हमने इंट्राडे में ट्रेड करके यानी कि इंट्राडे में बाय पोजीशन बना के और सेल पोजीशन बना के 64,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है, तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो भी आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आज आपको दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में काफी चीजें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। अब मैं ज्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों सबसे पहले लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, और अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे लिखना है चार्ट एनालिसिस और ये लोगो हमारी पहचान है, जल्दी से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस पे काफी चीजें दोस्तों हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये जो चैनल है उन सीरियस लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस सीख के अपना प्रॉफिट यानी कि मुनाफा करना चाहते हैं, तो जल्दी से दोस्तों आप भी इसका हिस्सा बन जाइए। और यहाँ पे दोस्तों पहला जो स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था वो किया था HCL Tech का। अब HCL Tech में दोस्तों एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार के हिसाब से इसमें एक पाइंग बन गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ HCL Tech के चार्ट पे जाता हूँ और यहीं पे दोस्तों आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो वो कहाँ सीखेंगे, आप सीखेंगे टेक्निकल चार्ट पे। तो चार्ट पे दोस्तों मैं लेके जाता हूँ और यहीं पे आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने क्या करा आपके सामने चार्ट लगाया यहाँ पे अवर्ली का। तो अवर्ली के चार्ट पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो काफी दिनों से ये जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। आज मॉर्निंग में ही हमें यहां पे एक पैटर्न मिला यहां पे जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, यहां पे मैं लिख देता हूं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और नेक्स्ट जो कैंडल थी वो क्या थी, इसकी बुलिश कैंडल। वैसे इसकी जो कंफर्मेशन है वो कल के दिन दोस्तों आ चुकी थी, वैसे इसकी जो बाइंग बनती थी दोस्तों वो बनती थी 830 रुपए के ऊपर, और इसका जो SL बनता था वो बनता था 822 रुपए के आसपास। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं HCL Tech में H1 के चार्ट में यहां पे जो बाइंग बनती थी दोस्तों वो बनती थी 830 रुपए के आसपास, और इसका जो SL था दोस्तों वो बनता था 821 रुपए 50 पैसे के आसपास का। तो उसके हिसाब से दोस्तों आज इसने एक स्पाइक दिया, और स्पाइक में ही दोस्तों इसमें जो टारगेट था वो 1:1 का आ चुका था, यानी कि एक ही स्पाइक में एक ही घंटे में दोस्तों 842 रुपए का इसने आज हाई बना दिया था। वैसे दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा ये जो पैटर्न बना हुआ है मॉर्निंग स्टार ये आपको MT4 में ही देखने को मिलेगा। अगर आप जीरोधा का चार्ट यूज करते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग का चार्ट यूज करते हैं वहां पे आपको मॉर्निंग स्टार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए थे, उन्होंने बोला सर आपने जो मॉर्निंग स्टार भेजे हैं वो हमारे चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। जो जीरोधा के चार्ट होते हैं या फिर इन्वेस्टिंग के या फिर दूसरे जो चार्ट्स आप यूज करते हैं, जो फ्री वाले चार्ट्स आप यूज करते हैं, उसमें क्या करता है वो प्री ओपन मार्केट का रेट ले लेता है। जो 9:15 से पहले का मार्केट होता है यानी कि 9 बजे से लेकर 9:15 के आसपास जो प्री ओपन मार्केट होता है, 9:08 पे जो क्लोजिंग होती है उसकी, उसका वो प्राइस लेता है। और MT4 जो लेता है वो 9:15 का रेट लेता है, यानी कि 9:15 के पे जो ओपनिंग होगी वो उसी का प्राइस लेगा, और वहां पे वो क्या करता है वो रेट लेता है प्री ओपन मार्केट का। सेम आपका जो सॉफ्टवेयर होगा ऑडियंस सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी वो प्री ओपन मार्केट का ही रेट लेता है, बट MT4 की डिजाइनिंग इस तरीके से हुई है कि वो क्लोज होता है 3:30 पे और ओपन होता है 9:15 पे। तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है। और अगर आपने अभी तक MT4 सॉफ्टवेयर नहीं लिया है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और आपने MT4 सॉफ्टवेयर नहीं लिया दोस्तों इसको जरूर परचेज कर लीजिए, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं कहना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे हमने पोजीशन में बाय करी थी, कई लोगों के मैसेजेस आए सर आपने जो चार्ट भेजा हमारे जो चार्ट है उससे ये मिल नहीं रहा, उनको भी हमने यही समझाया था कि आप बाइंग बना लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों एक ही घंटे में 842 रुपए का हाई लग गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों HCL Tech में आपने ट्रेड करके अच्छे पैसे बनाए होंगे। रीजन क्या था, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी अगर इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं 4 अवर्ली के चार्ट पे,
तो मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम पे स्टॉक है 860 के आसपास जा सकता है। उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे कभी बाद में कोई दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा, रीजन क्या है उसका। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, अभी मैं अगले स्टॉक के बारे में आपको बताता हूं जो मैंने आपको रिकमेंड किया था स्पेशली, वो था Havells। Havells में दोस्तों एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, और कल की वीडियो में मैं आपको बोला था कि भैया Havells में आप अपनी पोजीशन सेलिंग में बना के चल सकते हैं क्योंकि डबल टॉप इसमें बन सकता है, और आज डबल टॉप दोस्तों इसमें देखने को मिला। अब मैं क्या करता हूं, इसके चार्ट पे जाता हूं और चार्ट पे ही आपको समझाता हूं। अब यहां पे एक्सेल टेक में हमने बाइंग करके पोजीशन बनाई थी और हमने क्या करा था, Havells में अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई थी। तो अब क्या करेंगे, Havells के चार्ट पे जाते हैं और Havells के चार्ट पे समझते हैं। तो यहां पे दोस्तों हम क्या करते हैं, हमने यहां पे क्या करा, यहां पे फोर अवर्ली का चार्ट लगा लिया। फोर अवर्ली का चार्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसमें कैंडल्स कम होती हैं और उसमें आपको डाइवर्जेंस अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सेम चीज आप अवर्ली के चार्ट में भी देख सकते हैं, सेम चीज आप डेली के चार्ट में भी देख सकते हैं। अब क्या हुआ, मैंने यहां पे, मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं फिर उसको मैक्सिमाइज करके आपको समझा दूंगा। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पे हम समझते हैं, ये अप ट्रेंड चल रहा था और यहां पे क्या हुआ, यहां पे डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला। अब डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला और यहां पे कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले। सेम मैंने मैसेज किया था और बोला था कि यहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। जब 727 और 728 रुपए के आसपास चल रहा था तो बोला था पोजीशन शॉर्ट में बनाइए, और उसके बाद दोस्तों इसमें जो लो लगा है वो लगा है 716 रुपए 10 पैसे का, यानी कि जहां से हमने आपको बोला था सेल करने के लिए वहां से दोस्तों इसमें 12 से 13 पॉइंट की गिरावट आई थी। अब ये तो दोस्तों मैसेज मैंने किया था। अब यहां पे मैं दोस्तों लेके जाऊंगा अपने प्राइवेट चैनल पे। अब आपको पता है दोस्तों मैं अपने प्राइवेट चैनल पर अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ही ऐड करता हूं। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ था, जब टाइम हो रहा था दोस्तों 12:37 का, तो यहां पे मैंने एक मैसेज कर दिया था, स्पेशल मैसेज था। वैसे मैं कोई कॉस्ट नहीं देता बट यहां पे मुझे लग रहा था काफी तेजी से टूट सकता है, तो मैंने यहां पे एक मैसेज करा था और मैसेज में दोस्तों लिखा था सेल Havells एट CMP स्टॉप लॉस 737। यानी कि दोस्तों यहां पे ये लिखा गया था कि Havells को आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 737 रुपए का। ये स्पेशल मैसेज था तो मैंने करा था 12:37 पे, और दोस्तों जब 12:37 पे मैसेज करा था, 2 घंटे बाद दोस्तों यहां पे देखेंगे 716 का लो लग गया था। तो जो भी मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने आज Havells में ट्रेड करके अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो दोस्तों ये जो गिरावट आई थी, जब मैंने बोला था इसमें सेल करने के लिए तब इसका रेट चला था 732 के आसपास, 737 रुपए का एसएल दिया था, और दोस्तों उसके बाद इसमें जो गिरावट आई आप काउंट करेंगे तो दोस्तों 16 पॉइंट्स के आसपास की, 16 से 17 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आई है 5 रुपए के एसएल के साथ। तो ये चीजें दोस्तों कैसे सीखेंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आपको सीखना पड़ेगा। मैं इसको क्या करता हूं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूं और यहां पे आपको समझाता हूं। अब यहां पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये क्या था, स्टॉक चल रहा था अप ट्रेंड में। अब इसको समझिए, अब जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था तो क्या करा इसने, इसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा। ये जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं उसने प्रीवियस हाई को क्या करा, ब्रेक करा। अब ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, अगर इसके आप देखेंगे, इसको मैं बोल लिख देता हूं हैंगिंग मैन। इस कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का जो पैटर्न था वो वैसे यहां फेल हो गया था, और जिस कैंडल ने इसका हाई काटा था बेसिकली उसने उसका प्रीवियस स्टॉप लॉस काटा था, हैंगिंग मैन का हाई बेसिकली ब्रेक करा था उसने। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पे ऊपर जाके इसने क्या करा, कंसोलिडेट यहां पे करा। यानी कि मैं कहना चाहूंगा दोस्तों यहां पे रेजिस्टेंस लाइन खींच देता हूं, यहां पे इसने क्या करा ऊपर कंसोलिडेट करा, और दोस्तों क्लोजिंग क्या करी इसने नीचे कर दी। यानी कि इस कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या करा, क्लोजिंग नहीं करी। आज क्या हुआ दोस्तों, आज इसमें गिरावट के साथ ये खुला, गिरावट के साथ ये खुला, तो हमने क्या करा इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाई। और दोस्तों इसने आज जो हाई बनाया था, अगर मैं बात करूं आज का जो इसका हाई था वो था 735.40 का, कल का हाई था इसका 735.80 का। यानी कि इसने क्या करा, कल का हाई ब्रेक नहीं करा। इस वजह से क्या करा था, हमने इसमें शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी, और यहां पे दोस्तों इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे थे। और अगर आप यहां पे इस एरिया में देखेंगे तो क्रॉस ओवर भी आपको एमएसडी में देखने को मिल रहा था। तो ये कंफर्मेशंस थी, यानी कि डबल टॉप, यानी कि चार्ट पैटर्न ने बोला कि आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, और डाइवर्जेंस ने बताया कि हाँ जो शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं उसमें श्योरिटी ज्यादा है, यानी कि इसने कंफर्मेशन दे दी। इस वजह से हमने अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाई और तेजी से दोस्तों स्टॉक गिरा, और इसमें दोस्तों 17 पॉइंट्स के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब बात यह है दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं कि क्या मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूं, बताना बड़ा आसान है दोस्तों, वीडियो बनाना बड़ा आसान है। शाम को आए दोस्तों, खड़े हुए, ज्ञानबाजी करी और चले गए, इससे कुछ नहीं होता। क्या आप खुद भी इस पे ट्रेड बना रहे हैं? अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आप बताते तो हैं, क्या आप खुद ट्रेड करते हैं? तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि मैं
जो स्टॉक्स आपको बताता हूँ मैं खुद भी उसमें ट्रेड करता हूँ। जब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा तो कहाँ से मैं दोस्तों आपको श्योरिटी दूंगा? अगर मैं श्योर नहीं होऊंगा तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों? अगर मैं खुद एक ट्रेडर नहीं होऊंगा तो मैं आपको ट्रेनिंग कहाँ से दूंगा? मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट ट्रेडर आपको बहुत कम मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमेशा उससे सीखने की कोशिश करिए जो खुद एक ट्रेडर हो और साथ साथ ट्रेनिंग भी देता हो और मार्केट से पैसा भी बनाता हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने भी आज इंट्राडे में ट्रेड बना के कुछ 63,750 का, यानी अगर मैं बोलना चाहूँ मोटा मोटा 64,000 रुपए के आसपास का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64,000 के आसपास का मैंने क्या है आज प्रॉफिट किया है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अंबुजा सीमेंट में मैंने एक ट्रेड बनाया था, मुझे लॉस हुआ 5,250 रुपए का। एससीएल टेक में मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो वो हुआ 14,200 रुपए का। हैवल्स में मैंने ट्रेड बनाया, मुझे प्रॉफिट हुआ 47,450 का। इसके साथ साथ हैवल्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, हैवल्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हुआ 7,350 का। मेरा एक ट्रेड था दोस्तों नुकसान में था 5,250 का, बाकी में दोस्तों मेरा प्रॉफिट था और टोटल प्रॉफिट मेरा आ रहा है 63,750, यानी कि अब मान के चलिए 64,000 रुपए का। 47,450 का प्रॉफिट तो मेरा एक ही ट्रेड में हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इस तरीके का प्रॉफिट करना है तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। वो वाला टेक्निकल एनालिसिस नहीं कि रेजिस्टेंस कटे तो बाय कर लो, सपोर्ट कटे तो सेल कर लो, या फिर दोस्तों राउंडिंग कप बन गया है, राउंडिंग बॉटम बन गया, फ्लैग पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, ये दोस्तों बहुत पुरानी रिसर्च है, अब ये काम भी नहीं करती। बुरा मन मानिएगा दोस्तों, आपने अगर इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखा है वो बिल्कुल ठीक है, पर टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों अब काम अलग तरीके से होता है, अब ये बिल्कुल एडवांस लेवल का हो चुका है। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि अब जो टेक्निकल एनालिसिस बाहर जो सिखाया जा रहा है वो सिखाया जा रहा है इंडिकेटर के बेस पे। अब इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों, वैसे इसके बारे में काफी वीडियोस में बना चुका हूं, बट इंडिकेटर्स दोस्तों क्या होता है, वो क्या करते हैं, बस क्रॉस ओवर देते हैं। आपने आरएसआई यूज करा, आपने एमएफआई यूज करा, आपने बॉलिंजर बैंड यूज करा, इसके अलावा दोस्तों स्टॉकस्टिक, इचीमाकू, दुनिया भर के दोस्तों इंडिकेटर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉस ओवर पे आपको काम कराते हैं। और क्रॉस ओवर पे काम करने की वजह से आपको मार्केट में बड़ा नुकसान हो जाता है, बट ये क्रॉस ओवर से बचिए दोस्तों और मार्केट में साइकोलॉजी को जोड़िए। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस आप कर रहे हैं यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजी को कनेक्ट करके चलिए। साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई और प्राइस एक्शन, ये मार्केट में काम करता है। और अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाइए, यूजर आईडी पहले अपना क्रिएट करिए लॉगिन पे जाके, उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद ओटीपी आप डालेंगे तो दोस्तों वहाँ से आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस साथ साथ ऑप्शन का भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों बताना भूल गया मैं आपको कि मेरा जो 7,350 रुपये का जो प्रॉफिट आया था वो हैवल्स में ही आया था, इसकी मैंने क्या करी थी, कॉल सेल करी थी। अब इसकी कॉल क्यों सेल करी थी इसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो इसलिए करी थी क्योंकि हैवल्स की आईबी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इस वजह से मैंने क्या करा था, इसकी पुट बाय नहीं करी थी, कॉल सेल करी थी। जब किसी स्टॉक की आईबी यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा बड़ी होती है तो आप क्या करिए, हमेशा शॉर्ट करके चलिए, या पुट शॉर्ट करके चलिए या फिर कॉल शॉर्ट करके चलिए। इसलिए मैंने इसकी कॉल शॉर्ट करी थी, इसकी कॉल मैंने शॉर्ट करी थी कुछ 35 के आसपास और 28 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करा था, तो 1000 का लॉट साइज था, इसलिए मुझे 7,350 का प्रॉफिट हुआ था। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस में 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलएडबी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरा ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स है, जैसे मैंने अभी ऑप्शंस की बात करी आपसे, तो इसमें ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है। इसमें क्या है दोस्तों, 20 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, इसके साथ साथ उसके पे ऑफ्स हैं, ग्रीक्स है, ऑप्शन चेन है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, बेसिक ऑप्शन क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें सिखाई हुई हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें दोस्तों 28 वीडियोस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका जो फीस है, उसकी जो फीस है दोस्तों वो है 8,000 रुपीज़, और ऑप्शन में दोस्तों 59 वीडियोस हैं और उसकी फीस है दोस्तों 11,000 रुपीज़। अगर ये दोनों कॉम्बो आप परचेस करते हैं दोस्तों तो ये आपको दोस्तों पड़ेगा 17,000 रुपीज़ के आसपास का। तो अगर आप दोस्तों मार्केट में मास्टरी करना चाहते हैं, और मार्केट में मास्टरी ट्रेडिंग में तभी हो सकती है जब आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ऑप्शंस करते हैं, और मार्केट के दोस्तों बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो टेक्निकल के साथ साथ ऑप्शंस भी करते हैं। साथ साथ दोस्तों बोलना चाहूंगा, वीडियोस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, इसके साथ साथ आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जो दोस्तों अभी मैंने
थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जिसमें पर्सनल रिकमेंडेशन भी देता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करता हूँ। इसके साथ साथ संडे का आपको वेबिनार भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें मैं लाइव आता हूँ, लाइव आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, और संडे करता हूँ मैं मॉर्निंग में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और दोस्तों मैं बीच बीच में मीटअप भी रखता हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, पे आपको वन टाइम करना है। और दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर ये कोर्स परचेस करते हैं तो नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी, साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों अभी कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग के साथ ना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया, तो एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट जरूर 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 ओपन कराइए। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। सर्विसेज दोस्तों एक नंबर की है, बहुत बढ़िया सर्विसेज है दोस्तों इनकी। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों सपोर्ट भी काफी अच्छा देते हैं, और दोस्तों इसमें किसी भी तरीके की हैंगिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू, नीचे लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे, अगर उसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, तो संडे के वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। दोस्तों एक मैसेज देना चाहता हूं मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को। 25 दिसंबर में हमने प्लान कर लिया है मीटअप दिल्ली में। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आ सकते हैं। इसकी जो फीस है 2100 के आसपास रहेगी, 5-स्टार होटल में है दोस्तों ये। और कहना चाहूंगा कि अभी अपनी जो टिकट्स वगैरह हैं दिल्ली के लिए, वो दोस्तों अभी से ही बुक करा लीजिए। तो 2 महीने हैं आपके पास, बाकी की जो डिटेल्स है दोस्तों मैं टेलीग्राम पे बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।